भारतीय संस्कृति में जीने के कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिनका हम कई पीढ़ियों से पालन करते आ रहे हैं, जैसे उपवास करना, उठने और बैठने के ढंग और पानी भरकर रखने के लिए तांबे के बर्तनों का प्रयोग आदि। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। पहला, तांबे के बर्तन का पानी पिएं। अगर आप पानी को रात भर या कम से कम 4 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखें, तो यह तांबे के कुछ गुण अपने में समा लेता है। यह पानी खास तौर पर आपके लीवर के लिए और आम तौर पर आपकी सेहत और शक्ति स्फूर्ति के लिए उत्तम होता है। दूसरा, शरीर को नींद नहीं, आराम दें। आप सोने किस वक्त जाते हैं, यह तो आपके लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन महत्व इस बात का है कि आपको कितने घंटे की नींद की जरूरत है। जिस वक्त आपके शरीर को पूरा आराम मिल जाएगा, यह उठ जाएगा, चाहे सुबह के 3 बजे हों या 8। एक बार अगर शरीर आराम कर ले तो उसे खुद ही जग जाना चाहिए। तीसरा, 2 हफ्ते में एक बार उपवास करें। शरीर एक खास चक्र से गुजरता है। हर चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जिनमें आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप अपने शरीर को लेकर सजग हो जाएंगे तो आपको खुद भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि इन दिनों में शरीर को भोजन की जरूरत नहीं होती। 11 से 14 दिनों में एक दिन ऐसा भी आता है जब आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। उस दिन आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आप बिना कुछ खाए रह ही नहीं सकते या आपका कामकाज ऐसा है जिसके चलते भूखा रहना आपके वश में नहीं और भूखे रहने के लिए जिस साधना की जरूरत होती है वह भी आपके पास नहीं है, तो आप फल आहार ले सकते हैं। और चौथा, पीठ को सीधा रखकर बैठें। शरीर के ज्यादातर महत्वपूर्ण भीतरी अंग छाती और पेट के हिस्से में होते हैं। ये सारे अंग ढीले ढाले और एक जाली के अंदर झूल रहे से होते हैं। इन अंगों को सबसे ज्यादा आराम तभी मिल सकता है जब आप अपनी रीढ़ को सीधा रखकर बैठने की आदत डालेंगे। धन्यवाद।